नमस्कार, मैं हूँ यमलेश बंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट जिले की टॉप 5 खबरों का स्पेशल बुलेटिन। शुरुआत करते हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रद्द होने की खबर से। 9 मई को बालाघाट पहुंचने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रद्द हो गई है। रेलवे की ओर से इस बारे में आधिकारिक पत्र जारी करते हुए सूचना दी गई। हैदराबाद के बोलारम से चलकर 9 मई की सुबह बालाघाट पहुंचने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रद्द हो गई है। पहले ऐसी सूचना मिली थी कि यह ट्रेन बालाघाट, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी के 1250 मजदूरों को लेकर बालाघाट पहुंचने वाली है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से अपरिहार्य कारणवश ट्रेन रद्द होने की सूचना दी गई, जिससे मजदूरों और उनके परिवारों में मायूसी छा गई है। आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आगमन को लेकर 8 मई को कलेक्टर दीपक आर्य सहित अन्य अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया था। साथ ही मजदूरों की घर वापसी से पहले स्टेशन में स्क्रीनिंग और उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन यह ट्रेन अचानक रद्द हो गई। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय होने से जिले के कई हिस्सों में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बालाघाट सहित कई क्षेत्रों में हवा के साथ धूल भरी आंधी चली और अचानक गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे एक बार फिर जिले के मौसम में ठंडकता का एहसास हुआ है। गौरतलब है कि मौसम विभाग जबलपुर के द्वारा बीते 2 दिनों पहले ही बारिश और तेज आंधी का पूर्वानुमान लगाया गया था, जो बिल्कुल सच साबित हुआ है। बीते 2 दिनों में दूसरी बार बारिश हुई है। आपको बता दें कि जिले में द्रोणिका और चक्रवाती हवाओं के कारण यह बारिश हो रही है, जिसका असर फिलहाल बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के साथ ही गर्मी से बेहाल हो रहे लोगों ने राहत भी महसूस की है। शीतल हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के कारण मकानों के छप्पर और टीन सेट भी उड़ जाने की खबरें हैं। हालांकि अभी तक इस चक्रवाती तूफान से नुकसान की कोई खबर नहीं है। बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महकेपार में गांव के अंदर संचालित सरकारी देसी शराब दुकान को हटाने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल से महज 100 मीटर और उचित मूल्य की दुकान से केवल 50 मीटर के सामने पुराने बाजार चौक में संचालित शराब दुकान का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीण काफी लंबे समय से गाँव में मौजूद इस दुकान को हटाने की मांग कर रहे थे। पहले भी ग्रामीणों ने शराब दुकान पर हमला बोलते हुए बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की थी। फिलहाल ग्रामीण नए स्थान पर शराब दुकान को शुरू करने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में सभी शराब दुकानें बंद थी। सरकार ने हाल ही में ग्रीन जोन में शराब दुकानों को सशर्त शुरू करने की अनुमति प्रदान की। ऐसे में जिले भर में शराब की दुकानों में बढ़ रही भीड़ से भी लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को इससे कोरोना के संक्रमण को फैलने में मदद मिलने की आशंका है। असल में सोसाइटी होने से भी और हॉस्पिटल होने से महिलाओं को ज्यादा आवाजाही नहीं आ पा रहा है। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने 8 मई को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान रजेगांव चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और लॉकडाउन के दौरान बाहर से आ रहे मजदूरों की स्वास्थ्य जांच, उनके भोजन एवं उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर आर्य ने इस दौरान बताया कि रजेगांव चेक पोस्ट पर आने वाले अधिकांश मजदूर महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्य से आने वाले हैं। इस चेक पोस्ट पर सभी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के बाद उनके भोजन का इंतजाम भी किया गया है। चेक पोस्ट पर जिले के राजस्व अनुविभागवार मजदूरों की पहचान कर उन्हें बसों से रवाना किया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच के बाद मजदूरों को होम क्वारंटाइन रहने के लिए भी पीले रंग की पर्ची दी जा रही है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एडीएम राघवेंद्र सिंह, गिरनापुर एसडीएम आयुषी जैन, खंड चिकित्सा अधिकारी उमेश डहाटे एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
लॉकडाउन के बीच बालाघाट प्रवास पर पहुंचे कमिश्नर चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमण को रोकने की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए रेंजर्स कॉलेज के छात्रावास में बनाए गए कोविड केयर सेंटर एवं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए सरदार पटेल होम्योपैथी कॉलेज गायपुरी में बनाए गए कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरणों, कोरोना टेस्ट किट एवं दवाओं आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के संदिग्ध मरीजों की जांच के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टर्स को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। साथ ही जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट होना चाहिए और उपयोग के बाद उसके डिस्पोजल का भी समुचित इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सीमा हमने अभी देखी और वहाँ प्रबंध बहुत अच्छा है। एक एक जो व्यक्ति आ रहा है उसको वहाँ पर रजिस्टर किया जा रहा है, फिर उनको होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। बसों के भी प्रबंध हैं, खाने की भी व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था अच्छी चल रही है और मुझे पूरी संतुष्टि वहाँ जाकर की लगी। फील्ड में जाकर के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि जो प्रबंध है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो टेस्ट के लिए यहाँ से जबलपुर भेजे जाते हैं सैंपल, काफ़ी वक्त लगता है? अब वक्त नहीं लगेगा और उसको हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक एडिशनल लैब मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में स्टार्ट होने वाली है, जिसका फर्स्ट प्रयोग आज सफलतापूर्वक हो चुका है और कल से वहाँ टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो हम 24 घंटे में रिपोर्ट देने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए बालाघाट के लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं करना है और आगे चल कर के एक छिंदवाड़ा में भी लैब शुरू होने वाली है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि वो करते रहें। सीएमओ और सिविल सर्जन को मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से पूरा सपोर्ट मिले और इनका जो संवाद है, संचालन है, एक दूसरे से बातचीत है, ये कोऑर्डिनेट होती रहेगी, ये हम सुनिश्चित करें।